नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ की इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के पौड़ी ब्लॉक के पुरा रामजी गांव में सैकड़ों मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाने का मामला एक बार फिर जिलाधिकारी दरबार पहुंच गया। शुक्रवार को राधे मोहन के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने डीएम को शिकायती पत्र देकर वोटर लिस्ट से नाम कटवाने और निवर्तमान ग्राम प्रधान और बीएलओ के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की। पौड़ी ब्लॉक के पुरा रामजी गांव में सैकड़ों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। जिलाधिकारी को दिए गए पत्र में ग्रामीणों ने निवर्तमान ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए बताया कि वह काफी दमन किस्म का व्यक्ति और गुंडा एक्ट लगा हुआ है। मतदाता सूची से पुनरीक्षण के दौरान निवर्तमान प्रधान ने बीएलओ रामबचन बिंद को डरा धमका कर 409 मतदाताओं को मृतक को विवाहित दिखाकर कटवा दिया, जिसका सत्यापन चल रहा है। इतना ही नहीं, बीते 3 नवम्बर को जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान 4 आवास और नाली के निर्माण में अनियमितता पाई गयी। इस मामले में अभी तक निवर्तमान प्रधान के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने निवर्तमान ग्राम प्रधान पर पिछड़े जाति का होकर अनुसूचित जाति का लाभ लेने का भी आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि निवर्तमान ग्राम प्रधान खुद अपना, पत्नी व परिवार के एक अन्य सदस्य का जो जॉब कार्ड बना है वो अनुसूचित कोटे से बना है। इस पर कार्य दिखाकर सरकारी धन का भुगतान भी किया गया है। पूरा रामजी गाँव में 72 आवासों में से 40 आवास अपात्रों को दे दिया गया था। ग्रामीणों का आरोप है किसी भी आवास के निर्माण के लिए अभी तक नींव नहीं खोदी गई है, खेतों का समतीकरण नहीं हुआ है, लेकिन इसके मद में भुगतान हो गया है। ग्रामीण जिलाधिकारी से मांग किया कि मामले की जांच कर कटे हुए नामों को मतदाता सूची में शामिल किया जाए और निवर्तमान ग्राम प्रधान एवं बीएलओ पर एफआईआर दर्ज की जाए। मेरे ग्राम सभा में प्रधान द्वारा बीएलओ को धमकी देकर के 409 लोगों को मृतक घोषित करके नाम कटवा दिया गया। उसके बाद जो है उसके खिलाफ एसडीएम साहब के यहाँ हम लोग गए। उसके बाद एसडीएम साहब ने कहा कि ठीक है, कार्रवाई होगी। बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन प्रधान को एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है, जबकि उस ग्राम सभा की इतना अनियमित ढंग से वो पैसा धन उगाही अधिकारीगण ब्लॉक के और प्रधान द्वारा की जा रही है कि बिना कार्य कराए को पैसा निकाल लिया जा रहा है। अपने पिता के नाम से प्रधान हरिश्चंद्र यादव द्वारा आवास लिया गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपने को एससी बन करके जॉब कार्ड मनरेगा से पैसा निकाला गया, जो कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि अपने पत्नी को जॉब कार्ड बनवाए हैं एससी बन करके, उसको भी पैसा निकाल रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये अधिकारीगण फर्जी जो है कि पैसा निकाल रहे हैं, बिना काम कराए, बिना खड़ंजा लगाए, बिना हैंडपम्प मरम्मत कराए, कम से कम 60-70 लाखों का गमन हुआ है ब्लॉक के अधिकारी और प्रधान को मिल करके, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई। कम से कम 10-12 अधिकारी गण जाते हैं कितनी मिली भगत करके, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। मैं यही चाहता हूं कि उनके खिलाफ, प्रधान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, और दर्ज नहीं हुआ तो इलेक्शन तक वह कुछ भी, जब उसके खिलाफ कुछ कोई कार्रवाई नहीं होगी वो कुछ भी कर सकता है प्रधान। ऐसे जी सर 409 लोगों का नाम काटा गया है मृत दिखाकर, और 247 फर्जी नाम चढ़वाया गया प्रधान द्वारा। बीएलओ को डीएम साहब ने कहा कि ठीक है, जांच करवा रहे हैं, उसके बाद जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।